राहुल गांधी का हैदराबाद मॉडल फॉलो करेगी कांग्रेस। संगठन के नेताओं को राहुल से मिलाने की तैयारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को एमपी में दस्तक देगी। अलग अलग रास्तों से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा इंदौर पहुंचेगी। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। एमपी में खासतौर कर इंदौर में कांग्रेस के ये प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना और ऐसा स्वागत करने की तैयारी की है कि वह इतिहास में दर्ज हो जाए। हैदराबाद से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग समझकर आए कांग्रेस नेता अब उस प्लानिंग को एमपी में उतारने की तैयारी में है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जा रही प्लानिंग को लेकर इंदौर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की सलाहकार समिति ने दिया ये प्रस्ताव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब इंदौर पहुंचेगी तब इंदौर में कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी से मिलाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकीलाल वाकलीवाल ने शहर के सभी सेक्टर प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा कर सके इसके लिए एक प्रस्ताव भी राहुल गांधी की सलाहकार समिति को भेजा है। वाकलीवाल प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब इंदौर में रहें तब आधे घंटे का समय उनसे मिल सके ताकि वे सभी कांग्रेस जनों को राहुल से मिला सके। हालांकि कई कांग्रेस नेता होड़ में हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात हो जाए। घर घर जाकर देंगे पीले चावल, बताएंगे यात्रा का उद्देश्य। भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो सके इसके लिए कांग्रेस नेता प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ उनकी यात्रा में शामिल हो। इसलिए इंदौर के छोटे से लेकर बड़े सभी नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उन्हें राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य बताएं और उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण देंगे। जल्द ही कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्र के जनता के पास जाकर उन्हें यात्रा का उद्देश्य और यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि युवाओं और सामाजिक संस्थाओं को इसे जोड़ें। स्वागत करने वालों की भी लिस्ट हो रही है तैयार। इंदौर में जब राहुल गांधी की यात्रा आएगी उस दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत करने की प्लानिंग की जा रही है। स्वागत ऐसे करने की तैयारी है कि यह इतिहास में दर्ज रहे, मगर इस स्वागत के दौरान अनुशासन का खास ख्याल रखने की हिदायत भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दी गई है। वाकलीवाल का कहना है कि इंदौर का जो रूट फाइनल होगा उस पर मंचों के माध्यम से राहुल गांधी की यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। खास बात यह है कि स्वागत करने वालों की भी लिस्ट इंदौर में तैयार हो रही है। स्वागत कौन कौन करेगा यह भी फाइनल किया जा रहा है। ये बात निकलकर सामने आई है कि विधानसभा अनुसार सभी को एरिया बांट दिया जाएगा जहां वे राहुल गांधी जी का स्वागत कर सके। बने रहें खबरदार न्यूज के साथ।